युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान के तहत दिल्ली में जारी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को जन आंदोलन में बदलने के लिए दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है। वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए अब सरकार 21 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को जमीनी स्तर पर शुरू कर दिया है। पहले 3 दिनों तक रेड लाइट का वाहन चालकों को लाल गुलाब का फूल देकर गांधीगिरी के माध्यम से वाहन बंद करने की अपील की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस द्वारा चिन्हित दिल्ली के 100 व्यस्त चौराहों पर इसे लागू किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार 2500 पर्यावरण मार्शल तैयार करेगी। वहीं रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को सफल बनाने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सड़क पर उतरे। दिल्ली के अंदर प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध का ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। दिल्ली सरकार की तरफ से आज से पूरे दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू हुआ। अब तक दिल्ली के अंदर प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध में दिल्ली सरकार और अलग अलग एजेंसियां शामिल थीं। आज से प्रदूषण के विरुद्ध इस युद्ध में दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को शामिल होने की तरफ आह्वान किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकार और समाज दोनों मिल करके जब लड़ेगा तभी हम इस प्रदूषण के जंग को हम जीत सकते हैं। रेड लाइट कैंपेन व्हीकल पोल्यूशन को कम करने का महाअभियान है। दिल्ली के अंदर लगभग 1 करोड़ गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, जो औसतन दिल्ली में हर रेड लाइट को मिला दें तो दिन भर में लगभग 15 से 20 मिनट रेड लाइट पे गाड़ियां फ्यूल बर्निंग करती हैं। इस रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन का जो मकसद है कि जो चौराहों पर फ्यूल बर्निंग होती है उसको रोका जाए, ज़्यादा दिक्कत होती है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस महाअभियान में हिस्सेदारी अपनी जिम्मेदारी के साथ करते हैं तो हम 15 से 20% व्हीकल पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। ये पूरा अभियान वॉलेंटरी है, दिल्ली के लोगों को अपने जिम्मेदारी को अपने वॉलेंटरी लेना है और इस अभियान में शामिल होना है। मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से आज आह्वान करता हूँ, ये पूरा अभियान आपके कंधों पर है। आज से दिल्ली में 100 जो मेजर ट्रैफिक जंक्शन है, ट्रैफिक पुलिस के साथ मिल करके 2500 सिविल डिफेंस वॉलेंटियर मैदान में उतरे हैं, जो प्ले कार्ड के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। 2 शिफ्ट में उनकी ड्यूटी लगाई गई है, सुबह 8 से लेकर के शाम के 8 तक ये जागरूकता अभियान चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ सरकार की तरफ से हम सभी सांसदों को, सभी विधायकों को, पार्षदों को, जितने यहाँ पर ट्रेड यूनियंस हैं, व्यापार संगठन हैं, उद्योग संगठन हैं, ऑफिसर्स के संगठन हैं, सभी लोगों को हम इसमें आह्वान कर रहे हैं कि आप अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी को निभाइए। और ये चूँकि प्रदूषण की समस्या हम सबको अगर झेलनी पड़ रही है तो समाधान के लिए हम सबको उतरना पड़ेगा, और इसीलिए आज से कैंपेन शुरू हुआ है। ये 15 तारीख तक दिल्ली के अंदर कैंपेन चलेगा। वहीं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि जब सारे उपाय विफल हो जाएंगे तब ऑड इवन के बारे में सोचा जाएगा। पहली ऑड इवन आएगा दिल्ली में फिर इस बार। अभी तो इस अभियान को हम आगे बढ़ा रहे हैं और कोशिश हमारी यही है कि उन तमाम रास्तों को अपनाया जाए जिससे कि प्रदूषण कम हो। ऑड इवन हम लागू करते रहे हैं, अगर इमरजेंसी आती है तो उस पर विचार करें। बता दें, प्रदूषण कम करने के लिए पिछले कई सालों से दिल्ली में ऑड इवन स्कीम लागू की जा रही है और योजना सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू होती है, जिसके तहत ऑड वाले दिन ऑड नंबर की गाड़ी चलाई जाती है और इवन वाले दिन इवन नंबर की। इससे सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या आधी हो जाती है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी।